अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। आज बड़ा मज़ेदार सा पुलाव बनाएंगे हम इस वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है अफगानी पुलाव। इसके ऊपर जो ये गाजरें आपको नज़र आ रही हैं, कैरमलाइज्ड गाजर होती है, इसको शुगर के अंदर कोट करके तो वो इसके ऊपर डाली जाती है। तो बड़ा तीखा और मीठे का कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत मज़ेदार सा बनता है। अच्छा, मैंने ये मटन ले लिया था। मटन एक्चुअली मेरा फ्रीज़ होता है, तो इसलिए ये भी फ्रीज़ था। मैंने 1 kg मटन लिया है। मटन का पुलाव हम बनाएंगे। मुझे पुलाव ऐसे मटन का ही अच्छा लगता है। ये मैंने डाली है जिंजर, होल जिंजर मैंने डाली थी इसके अंदर, और इसको मैंने पील नहीं किया क्योंकि हमने ये इसको बाद में छान लेना है, तो इसलिए इतना पील करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जितना मटन को पानी चाहिए आप उतना डालें। मैंने 2 glass पानी डाला था। और ये ज़ीरा है, 1 tablespoon ज़ीरा। मेरा ये बिल्कुल छोटा सा स्पून है, ये तो बड़ा है। वो जो से पहले मैंने जिसे डाला है वो छोटा सा स्पून है, दैट्स वाई मैंने वो 2 डाले हैं। और उसके बाद मैंने सूखा धनिया डाला है 15 मिनट के लिए। इसको मैंने प्रेशर कर लिया था। प्रेशर के अंदर गोश्त बड़े आराम से 15 मिनट के अंदर हो जाता है। आप अगर हंडिया में करना चाहते हैं तो आप हंडिया में कर लें। 3 to 4 glass उसमें पानी जाता है और तकरीबन 40-45 minutes लगते हैं हंडिया के अंदर। तो उसके बाद मैंने गोश्त सारा इसके अंदर से मैंने निकाल लिया था। वो पीछे जो बचा है वो स्टॉक है, और उस स्टॉक को मैं छान के यूज़ करूँगी क्योंकि उसके अंदर हमने सूखा धनिया ज़ीरा डाला। वो चावलों में मुँह में आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जो सेकंड स्टेप हम करेंगे वो ये कि एक पैन में मैंने 2 tablespoon ऑयल डाला है। उसके अंदर मैंने ये कैरेट्स लिए हैं। कैरेट्स को हम तकरीबन 2 minutes के लिए फ्राई करेंगे शुगर के साथ। 2 tablespoon शुगर ऐड करूँगी इसके अंदर, तो ये एक किस्म की कैरमलाइज्ड कैरेट हो जाएंगी। इसको 2 minutes के लिए हमें फ्राई करना है, एंड देन हम इसको निकाल लेंगे इसमें से। ये कितनी प्यारी शक्ल में लग रही हैं। बाकी जो ये पकेंगी वो दम में पकेंगी। अभी हम इसको सिर्फ हमने इसको फ्राई किया है 2 minutes के लिए। इसके बाद इसी ऑयल और इसी शुगर वाले ऑयल के अंदर हम रिजन्स डालेंगे, किशमिश डालेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने थोड़ी सी यूज़ की हैं। आप चाहें तो आप ज़्यादा यूज़ कर लें। तो ये तकरीबन आधा कप होंगी रेजन्स, आप 1 cup भी यूज़ कर सकते हैं। रेजन्स आपके अपने हाथ में हैं, जितना मर्ज़ी यूज़ कर लें। इसको भी मैंने 2 minutes के लिए फ्राई किया, और अब मैंने इसको निकाल लिया है। कार्डिमम, ये मैंने जो डाला था अभी वो इलायची थी 4। ये ज़ीरा है, क्योंकि मेरा चम्मच छोटा है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। और ये बड़ी 2 इलायची है। 1 tablespoon तकरीबन ज़ीरा मैंने डाला है। उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ये वाला मसाला हम ऐड करेंगे अब जो मटन को हम पकाएंगे। एक बड़ा अनियन ले लिया। एक बड़े अनियन के अंदर 1/4 cup ऑयल डालें। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। मुझे चावलों में ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद। और मैंने जिंजर इसके अंदर डाला है, ये 4 cloves मैंने इसमें डाली। अच्छा, चावल मैंने आपको पहले दिखाए थे, वो मैंने भिगो के रख लिए हुए हैं। सबसे पहले मैंने चावल भिगोए थे, उसके बाद मैंने ये सारा काम प्रोसीजर करना शुरू किया था। मैंने वो 4 cup चावलों के भिगोए थे। वो तकरीबन 1 kg बनता है, मीन्स कम था 1 kg से। तो उस हिसाब से मैं ये सारी मेजरमेंट कर रही हूँ, और उसी हिसाब से मैं इसमें पानी भी, और उसी हिसाब से मैं इसके अंदर नमक भी डालूँगी। ये टमाटोज़ हैं। टमाटोज़ अक्सर लोग पुलाव के अंदर नहीं डालते, बट मैं डाल लेती हूँ। आप चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो आप ओमिट कर दें। इसको तकरीबन मैंने 3-4 minutes के लिए कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया था, जिससे ये मसाला थोड़ा सा नरम हो गया, प्याज वगैरह और टमाटर वगैरह। अब इसके अंदर मैं मीट ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूँगी। मीट की भुनाई बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए, अदरवाइज़ उसकी फिर स्मेल आती है। आप इसके अंदर खुश्क मसाले भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किए क्योंकि वो फिर चावलों में भी बच्चे मेरे नहीं खाते, दैट्स वाई। आप डाल सकते हैं, आप इसके अंदर क्लोव्स डाल सकते हैं, आप इसके अंदर काली मिर्चें ऐड कर सकते हैं, दालचीनी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने नमक ऐड किया। नमक मैंने चावलों के हिसाब से, मेरा ग्लास मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने सिर्फ उस ग्लास की मेजरमेंट रखी हुई है। वो छोटा ग्लास है, वो 1 cup का साइज़ होता है, तो उसी से मैंने 4 जो थे, ये मैंने वो मसाला जो बनाया था, मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ज़ीरे का मसाला बनाया था, ये मैंने वो ऐड किया। रेड चिली पाउडर 1 tablespoon,
आप और अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टेबल स्पून से आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसको ज़्यादा तीखा करने के लिए, और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। हाँ, मैं वो आपको ग्लास बता रही थी, 4 गिलास चावल थे तो 4 चम्मच ही नमक है, वो मैंने एडजस्ट किया हुआ है, वो मुझे पता है जितने चावल उतने चम्मच नमक के जाते हैं। और ये स्टॉक, ये 2 गिलास स्टॉक था, उसके बाद फिर मैंने ये 2 गिलास स्टॉक डाला। अच्छा, 4 गिलास अगर आपके चावल है ना, ये वाला मैंने मैयरमेंट कप लिया था, ये 4, ये छोटा ग्लास है, मैंने ये वाले 4 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो यही मैं डबल पानी डालते हैं, तो डबल से एक कम अगर आप डालेंगे तो वो खड़े अच्छे खिले हुए चावल बनते हैं। तो मैंने 7 गिलास स्टॉक डाला है इसके अंदर। मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको मेजरमेंट बता दिया है, इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं, खिले हुए और जुड़ते नहीं हैं आपस में। तो अगर 3 गिलास चावल हैं तो 5 गिलास आप पानी डालिएगा उसके अंदर, 6 मीन्स डबल होता है, बट डबल से एक कम। तो मैंने 4 गिलास चावल लिए थे तो अब इसके अंदर मैंने 7 गिलास पानी डाला। अब इतना जब इस तरह से हो जाएगा, मीन्स उसको पकाएं तेज़ आंच पे ना, जब वो पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी बच जाएगा, तो इसके अंदर आपने गाजरें जो कैरेमलाइज्ड की हुई थी, और जो ये किशमिश है, रेजन्स, और बादाम, ब्लांच्ड बादाम्स यूज़ किए हैं मैंने, इनका छिलका उतार लिया था वो बॉईल करके। अब इसको कवर करके 15 to 20 मिनट्स के लिए आप इसको दम पे पकाएं, बिल्कुल हल्की स्लो आंच पे ना, तो दम पे इसको पकाएं। तो ये देखें बड़े अच्छे खिले हुए चावल बन गए हैं मेरे, आफ्टर 15 मिनट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से बहुत मज़ेदार सा जो है ये पुलाव रेडी हो जाता है, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार था। आप चाहें तो इसके अंदर जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, मैं शायद डालना भूल गई, ग्रीन चिलीज़ भी आप ऐड कीजिएगा इसके अंदर। और बहुत कम मसालों वाला पुलाव है ये, देखिए चावल कितने खिले हुए हैं। अब इसको डिश आउट कर लें। मेरी रेसिपी होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।